कोतवाली के पीछे ठगन की गली में स्थित बजाज इलेक्ट्रिकल दुकान पर दिल्ली से आई राहुल कृषि पाइप कंपनी ने छापामार कार्यवाही की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीकमगढ़ जिले में लंबे समय से कोतवाली के पीछे ठगन की गली में स्थित बजाज इलेक्ट्रिकल दुकान में रोहिल कंपनी के नकली कृषि पाइप बेचने का कारोबार चल रहा था। शिकायत के अनुसार बुधवार की दोपहर दिल्ली से आई 5 सदस्य टीम ने पुलिस बल के साथ राहुल कृषि पाइप कंपनी ने नकली पाइप बेचने वाले विक्रेता बजाज इलेक्ट्रिकल की दुकान पर छापामार कार्यवाही की एवं दुकान से रोहिल कंपनी एवं KBC के नकली कृषि पाइप के बंडल बरामद किए एवं नकली पाइप विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि यह कंपनी, जिसको पृथ्वीपुर निवासी सत्येंद्र कुमार जैन ने ली है, जहां से टीकमगढ़ जिले में विगत कई दिनों से पाइपों की सप्लाई की जा रही है। अब उक्त कार्यवाही में दोषी कौन, इसका पता जांच के उपरांत पता चल पाएगा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर एडवोकेट रंजीत कुमार, लोकल कमिश्नर अपॉइंटेड बाय MS सुखविंदर कौर फ्रॉम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज। इन्होंने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया मुझे यहाँ आने के लिए, देखने के लिए कि राहुल नाम से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और रोहुल नाम से डिफेक्टिव जो नकली प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको सीज़ करने के लिए। तो हम यहाँ पर आए, हमने देखा जो भी आइटम्स हमें मिले हैं हमने उसको सीज़ किया है। ये है टोटल में LD पाइप्स हैं, ये क्वांटिटी में 3 हैं LD पाइप्स न्यू राहुल के नाम से, और MPT कैरी बैग्स हैं वो हमें 2 मिले हैं इस शॉप से, बजाज इलेक्ट्रिकल शॉप से। ऐसा इसी प्रकार की कार्रवाई और भी कथित रूप से चलती रहेंगी क्या? क्यों ना, बिल्कुल कैरी बैग सीलिंग बैग आ रहा है ना। आपका नाम क्या है? बीरेंद्र कुमार जैन। ये आपकी किस नाम से दुकान है? बजाज इलेक्ट्रिक एंड वायर्स। बताएं, जो आज आपके यहाँ छापामार का टीम आई थी, क्या है पूरा नाम? राहुल LD पाइप वालों की ओर से सर्च के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद में अधिकारियों इंदौर और दिल्ली के अधिकारियों के द्वारा सर्च किया गया। हमारा यहाँ पर रिटेल का ही काउंटर है, होलसेल का काउंटर है नहीं बजाज इलेक्ट्रिक एंड वायर्स का, इसलिए उनको यहाँ पे हमारे यहाँ से कुछ भी नकली प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुए। फिर भी उनका ऐसा मानना था कि ये 3 जो LD पाइप हैं, 3 नंग जिनकी वैल्यू 2100 रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है ना, 2100 रुपए, और उनने कहा कि ये हो सकता है नकली हो, तो कंपनी के द्वारा बाद में ये माना गया कि ये प्रोडक्ट नकली नहीं है, सर्च करके वापस चले गए। और हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, हर कंपनी वाले अपनी अपनी उसके लिए करते हैं सर्च कि हमारा नकली माल ना बिके, उन लोगों ने भी किया। इसके बाद में राहुल वालों से हमारे अच्छे संबंध हैं, जिन्होंने इस कंपनी को भी परचेज किया है, और राहुल का नकली माल बिकने का प्रश्न ही नहीं है। राहुल कंपनी 1 वर्ष से बंद पड़ी है, डिफाल्टर है, मध्य प्रदेश की सैकड़ों व्यापारियों के पैसे उनको देने हुए हैं, एडवांस पैसे लिए हुए हैं, मार्केट में उनकी वैल्यू 0 है, इसलिए राहुल कंपनी की तरफ से सर्च का अभी कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि इस कंपनी को जिन्होंने टेक ओवर किया है सत्येंद्र कुमार जैन पृथ्वीपुर वाले, जितना भी राहुल का माल बिकवाते हैं वो सत्येंद्र जैन पृथ्वीपुर ही बिकवाते हैं। सारा का सारा टीकमगढ़ जिले में जितना भी नकली माल प्राप्त होगा हमारे पास तो नहीं मिला है, लेकिन अन्य व्यापारियों के पास भी जिनके पास प्राप्त होगा उसमें सत्येंद्र कुमार जैन पृथ्वीपुर, जो अब राहुल कंपनी के मालिक हो चुके हैं जिन्होंने उसको परचेज किया है, उनके द्वारा ही बिकवाया होगा, सारा माल शहर में प्राप्त होगा अन्य व्यापारियों से भी। आपके दुकान पे इतने और भी पाइप वगैरह इकट्ठे रखे हैं, ये क्या है? कुछ नहीं है, उन्होंने सारे के सारे देखे, दुकान है, व्यापार करते हैं, अन्य कंपनियों का माल बेचते हैं, राहुल का माल बेचते नहीं है, पसंद ही नहीं करते, हमारे उनसे ट्यूनिंग नहीं थी, बात कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें और भी माल यहाँ पे रख के वो हमारा नहीं, वो ओरछा ट्रेडर्स का है, बाजू में हमारे बाजू में दीवार से लगी हुई है ओरछा ट्रेडर्स, मैं नहीं जानता उनको, शायद कोई यादव जी हैं उनका है, और उनके यहाँ से जब्त हुई है, हमारे यहाँ से कोई माल जब्त नहीं किया, ना वो साथ लेके गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।